हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धर्म रहस्य में। आज एक बार फिर से दुर्गा सप्तशती अखंड पाठ का दूसरा भाग आप धर्म रहस्य चैनल के गुरु श्री सूरज जी की आवाज़ में सुनेंगे। आशा करती हूँ आज का दूसरे भाग का अनुभव भी आप लोगों को पसंद आएगा। आज एक बार फिर जो दुर्गा सप्तशती का जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ था उसका दूसरा भाग हमको प्राप्त हो गया है और एक बार फिर से धनंजय जी ने जो है इसको भेजा है और वो आगे का जो है वर्णन बता रहे हैं कि किस प्रकार उनके साथ क्या क्या जो है घटित हुआ था। और अब आज मैं उसी को ही पढ़ूंगा आपके लिए उनके शब्दों में कि जो उन्होंने जो लिख के भेजा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम गुरुजी, आपका बहुत बहुत आभार। गुरुजी, जो आपने मेरा अनुभव सब तक पहुँचाया, आज मैं आपको उसके आगे का अनुभव भेज रहा हूँ। लेकिन इन सब से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जब आपकी वीडियो की कमेंट देख रहा था तो मैंने एक व्यक्ति के कमेंट को देखा जिसने कहा था कि सांप मुंह में घुस जाने से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, यानी कि अगर सांप हमारे मुंह के अंदर घुस जाए तो कहते हैं कि इससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं उन महाशय की बात से सहमत हूँ, निश्चय ही उस सांप के घुसने से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। लेकिन मैं उनको जवाब देना चाहूँगा कि आप किसी भी ज्ञान को तब तक नहीं प्रयोग कर सकते जब तक आपके अंदर उसकी पार्थकता ना हो, यानी कि पात्रता अगर आपके अंदर नहीं होगी तो आप उस ज्ञान को प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मुझ में भी वो ज्ञान है लेकिन आध्यात्म में आगे बढ़ के और अपनी क्षमताओं को विकसित करके ही मैं उस ज्ञान तक पहुंच सकता हूं। और एक बात और, ब्रह्म ज्ञान किसी को दिया नहीं जाता, वो हमारे आपके हम सबके अंदर पहले से ही विद्यमान है। हमें स्वयं अपने योग और आध्यात्म बल से उसे जागृत करना होता है। खैर गुरुजी, मेरे को बस यही कहना था। अब वापस मैं अपने अनुभव पे आता हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पहले मेरे साथ क्या क्या हो चुका है, आज मैं आपको 54वें पाठ के आगे के अनुभव को भेज रहा हूँ। मेरी साधना का कमरा अलग था, मतलब जिस कमरे में मैं साधना करता था उस कमरे में और कोई आता जाता नहीं था। 56वें पाठ तक मैंने साधना की कमरे में ही, लेकिन 56वें पाठ पूरे होने के बाद उस रात को एक बहुत ही अजीब घटना घटित हुई। 56वें पाठ पूरे होने के बाद उसी रात को जिस कमरे में मैं साधना करता था उस कमरे की पूरी फर्श टूट गई और वो कमरा छत पे था और उस कमरे के नीचे भी कमरे में मेरी माता सोई हुई थी। लेकिन ना उन्होंने रात में कोई आवाज़ सुनी ना कोई शोर हुआ, लेकिन अगली सुबह मैंने देखा कि पूरे रूम की फर्श टूटी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे तोड़ के चला गया है कोई फर्श को। उस दिन मुझे नॉर्मल पूजा घर में साधना करनी पड़ी जिसमें सब लोग पूजा करते हैं। पापा ने उस रूम की फर्श ठीक करवाने के लिए मजदूर बुलाए और वो ठीक भी कर गया, लेकिन अगली सुबह फर्श फिर वैसे ही वैसे टूटी हुई थी। ये चीज कम से कम 7 या 8 दिनों तक लगातार होती रही, यानी फर्श बनाई जाती थी लेकिन फिर भी टूट जाती थी। पापा रोज ठीक फर्श को करवाते थे और वो फिर भी टूटती रही। लेकिन फिर मैं समझ गया कि ये क्या हो रहा है। मैंने 62वें दिन से उसी टूटी हुई फर्श पे आराधना करनी शुरू कर दी। फर्श के टूट जाने के कारण मुझे बैठने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने उसी तरह साधना पूरी की। 4 दिनों तक यही होता रहा। उस हालत में मैं ठीक से ध्यान भी नहीं कर पाता था। फिर एक दिन मैंने माँ से प्रार्थना की कि माँ, यदि आप मुझे कष्ट में देख के ही
प्रसन्न है तो मैं ऐसे ही साधना पूरी करूंगा तकलीफ में। उसी दिन रात को मुझे स्वप्न आया कि मैं किसी मंदिर में सोया हुआ हूँ और किसी स्त्री मेरे सिर पर हाथ फेर रही है। मैं उठ गया और उठने के बाद तक वो एहसास जैसे कि मेरे सर को किसी ने छुआ हो। उस दिन मेरे पापा को मेरे ने बोला कि आज छत की फर्श बनवाने की कोशिश करो, आज जरूर बन जाएगी। और उस दिन पापा ने फर्श बनवाई, लेकिन इस बार फर्श नहीं टूटी। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने प्रसन्न मन से साधना शुरू की और कुछ दिन तक साधना सही से हुई। 75वें दिन मेरे को मेरी माँ ने बोला कि तू क्या करता रहता है, ये सब चार चार घंटे पूजा करता है, सोता भी नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर उन्होंने बोला कि छोड़ दे ये सब पूजा पाठ। मैंने सोचा कि माँ ने आज तक कभी मेरी किसी पूजा में बाधा नहीं डाली है। पूजा को भी 75 दिन हो गए हैं ख़त्म होने को, मैं एक ही महीने बचा है, फिर अब क्यों रोक रही हैं मुझे, कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन फिर मैं पूजा करके आया तो माँ ने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन उनको देख के लग नहीं रहा था कि ये मेरी माँ है, उनके मुँह से कोई और ही बोल रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था। मैंने फिर से माँ से प्रार्थना की कि ये साधना पूरी होने तक के लिए संभाल लो बस, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी परीक्षा चल रही है। इसके फिर बाद मुझे मेरे सातों चक्रों के एक एक करके जागृत होने का एहसास शुरू हुआ। सबसे पहले मूलाधार के स्थान पर ऐसा लगता था जैसे कोई पहिया घूम रहा है। मूलाधार के स्थान पे दर्द हो रहा था, मुझे लगा कोई और बात होगी, लेकिन वो डेली होने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ये अनुभूति स्वाधिष्ठान चक्र के पास होने लगी। 100वें पाठ पूरे होने तक मेरा अनाहत चक्र तक खुल चुका था। मुझे खुली आंखों से भी सपने आने लगे और कभी शेर के दहाड़ने की आवाज़ आना। ऑफिस में बैठे हुए एकदम से ऐसा लगता था जैसे पूरे ऑफिस में कोई नहीं है, लेकिन चारों ओर घूम के ने का एहसास मुझे सिर्फ अब तक ही होता था। इन चक्रों के घूमने का जो बता रहे हैं एहसास उनको होता था, तब तक मैं पूजा करता था, बाद में नहीं। इसके बाद क्या हुआ अगले 8 दिनों में, ये मैं अगली और अंतिम मेल में आपको भेजूंगा। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है अपना अनुभव भेजा है कि यहाँ तक का, और ये कह रहे हैं कि तो गुरुजी ये मेरे 100 पाठ के अनुभव थे, आप इन्हें सब तक पहुँचाइए और इन पे अपने विचार भी दीजिए, कृपा करके दीजिए, धनंजय तिवारी। तो ये था उनके 100 दिनों तक का, केवल 8 दिन बचे, यानी एक हफ्ता अंतोगत्वा जो आखिरी जो है वो बताएंगे कि आखिरी उनके साथ आखिरी दिनों में 8 पाठों में क्या हुआ और कहाँ तक उनकी सिद्धि पहुँची, कितनी सिद्धि उन्हें प्राप्त हुई, ये सभी कुछ हम जो है अब जब उनका अगला वीडियो आएगा तो उसके बारे में जान सकेंगे। खैर ये तो सच बात है कि दुर्गा सप्तशती के अगर अखंड पाठ किए जाते हैं तो मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। मूलाधार चक्र जागृत होकर जो कुंडलिनी शक्ति तीव्रता से जब ऊपर की ओर जैसे एक सांप फुंकार मारता उसी तरह फुंकार मारते हुए विभिन्न जो है आपके सातों चक्र हैं उनको छूते हुए आगे बढ़ती है। तो वैसे ही जैसे कि आप पहले मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर चक्र, उसके बाद अनाहत, उसके बाद विशुद्ध, उसके बाद आपका आज्ञा चक्र जिसे अज चक्र कहते हैं जो स्वतः ही जागृत रहता है, और लास्ट में सहस्त्रार चक्र होता है और उसको भेदना होता है। सहस्त्रार चक्र तक पहुँचाना होता है लेकिन इसे भेदना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे भेद जाते हैं तो हो सकता है फिर आप शरीर में वापस ना आ पाएं, आपकी मौत हो जाए। इसलिए ये योगियों को ये बड़े ध्यान से ये बात बताई जाती है और कहा भी जाता है कि अगर आप अपनी कुंडलिनी को जागृत कर रहे हैं और शक्ति तीव्रता से ऊपर फुंकार मारते हुए ऊपर पहुंच रही है तो आप सहस्त्रार चक्र तक उसको लेके जाइए, उसके बाद फिर उसको नीचे ले आइए, फिर सहस्त्रार तक लेके जाइए, फिर नीचे ले आइए, सहस्त्रार को वो तोड़ने ना पाए। सहस्त्रार चक्र जो होता है ये 1000 कमंडल का, मतलब 1000 पंखुड़ियों वाला कमंडल है जहाँ पर परमात्मा शक्ति जो है निवास करती है ऐसा माना जाता है। तो इसमें आपका
असल में इसका जो वैज्ञानिक कारण है वो ये रहता है कि हम अपने मस्तिष्क का केवल 2% जो है इस्तेमाल करते हैं, 98% हमारे शरीर का में जो मस्तिष्क होता है उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। वैज्ञानिक आधार है इसका। लेकिन ये 98% आप जब आपकी कुंडली जागृत होती है तो इसी प्रकार ये 1000 पंखुड़ियों वाला कमल आपका जो जब खिलता है तो आपका जो जितने भी रंध्र होते हैं मस्तिष्क के वो सारे खुल जाते हैं, यानी सारी पूरे मस्तिष्क का आप उपयोग कर सकते हैं। तो इससे आप जो है बहुत ज़्यादा आप शक्तिशाली हो जाते हैं, मानव असीमित शक्तियों से भरे हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क उस ब्रह्मांड का छोटा सा रूप है ऐसा माना जाता है, तंत्र ग्रंथों में लिखा भी हुआ है। तो इन छोटा सा रूप जो है उस वजह से आप अपने मस्तिष्क की शक्तियों को जागृत करके पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल में कर सकते हैं। इसीलिए सहस्त्रार चक्र जागरण होने पर ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का जो है केंद्र बिंदु आप स्वयं हो जाते हैं, आप उनको अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि आप ने वो चक्र जागृत कर लिया जैसे सहस्त्रार कहते हैं, इसके बाद आप परमात्मा तुल्यता के करीब पहुंच जाते हैं, परमात्मा से तुल्यता आपकी होने लगती है। इसके बाद एक असीमित क्षेत्र आपके लिए खुल जाता है, जो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है वो खुलने की वजह से आप सभी प्रकार की सहस्त्र शक्तियों से संपन्न हो जाते हैं। तो ये होता है आपके सहस्त्राचल के खुलने से, और ये आप अपनी दुर्गा शक्ति साधना से भी खोल सकते हैं और बाकी योगिक मार्ग से भी खोला जा सकता है। कई विधियाँ होती हैं, गुरु मंत्र से भी खुलता है और किसी भी मंत्र से, देखिए हर मंत्र से खुलती कुंडलिनी ही है, लेकिन कुंडलिनी को कंट्रोल में करने के लिए ही उस और अनियंत्रित ना हो जाए, क्योंकि ऐसी शक्ति आपको पागल बना सकती है, आप झटके खा सकते हैं, आप जो है बेवकूफ़ हो सकते, मतलब हर प्रकार से इसके कहते हैं कि आप अपनी शक्तियाँ खो देंगे, अपना मन का मस्तिष्क तो, अगर आपने कंट्रोल में आपकी शक्ति ये नहीं है तो। इसलिए इस शक्ति का जो प्रयोग होता है गुरु के निर्देशन में किया जाता है, और आपको ये सच्चाई जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कोई भी मंत्र कुंडलिनी ही जागृत करता है, वास्तविकता है कोई भी मंत्र। इसीलिए हम अनेक अलग लोगों के अलग अलग शक्तियों से मिलते हैं, चाहे अप्सरा हो, यक्षिणी हो या कोई भी हो, उनको सिद्ध कर पाते हैं। ये वास्तविकता उसके पीछे की वही है, लेकिन वो बात हम नहीं कहते हैं, ना बताई जाती है और ना कहनी भी चाहिए, क्योंकि ये बात गोपनीय है, इसे गोपनीय ही रखना चाहिए। तो हम और जो भी मंत्रों की साधना से इन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, जिनमें दुर्गा सप्तशती तंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है और इसके माध्यम से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप कितनी आप में शक्ति है, आप कितनी ऊंचाई तक कुंडलिनी को ले जा सकते हैं, उसके बाद फिर वापस ला सकते हैं, फिर ले जा सकते हैं, और ऐसा करते करते जब एक धारा प्रवाह से एक सफ़ेद रंग की नदी की तरह से तीव्र प्रकाश का जो बहाव होता है वो बहने लगता है, तो आप जो है बहुत ही ताकतवर इंसान बन जाते हैं। खैर, जब मैं कुंडलिनी साधना के बारे में कभी आपको बताऊंगा अक्टूबर महीने के बाद, अक्टूबर नवंबर के बाद जब मैं बताऊंगा आपको, तो उस समय आपके लिए सब कुछ एक एक स्टेप को धीरे धीरे करके क्लियर करूंगा। तो ये था इनका अनुभव, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और आगे भी ये अगला पार्ट जब भेजेंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर इनकी साधना में इनको माता ने कितनी सीमा तक पहुँचाया। अगर आपको ये जानकारी और इनकी जो है सच अनुभव अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।